नाराज है प्रकृति। प्रकृति की यह विशेषता हमेशा से रही है कि वो नियम से अपनी धुरी पर घूमती रहती है। सूरज, चांद, तारे सब अपने नियम से अपनी चमक बिखेरते रहते हैं। समय समय पर ऋतुएं बदल जाती हैं, पेड़ पौधे पत्तों से भर जाते हैं, उनकी डालियां फूलों फलों से लद जाती हैं, फिर पतझड़, वसंत, यह आवाजाही चलती ही रहती है और दुनिया नई होती रहती है। लेकिन आज का आदमी एक असंतुष्ट प्राणी है। वो ज्ञानी ही नहीं, विज्ञानी भी है। वो वस्तुओं का अधिकतम उपयोग करना सीख गया है। उसने पुरानी कहानियों से सीखा है कि समंदर को मत दो, तभी अमृत मिलेगा। देवों और असुरों के संग्राम ने एक दूसरे पर अधिकार जमाने के लिए, दूसरे लोगों को जीतकर वश में करने के लिए साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को ही बढ़ावा दिया। यह सच है कि जो हमें मिला है उससे कई गुना ज्यादा पाने की इच्छा आज तक सबको भटकाती रही है। हमने विज्ञान का भरपूर उपयोग किया। धरती, आकाश, आग, जल, हवा, दूसरे लोगों पर भी अब हमारी नजर पड़ गई है। लेकिन कठिनाई यह है कि ये जड़ प्रकृति अब जाग रही है। उसके विद्रोह की झलक अब मिलने लग गई है। पहाड़ धसकने लगे हैं, धरती का कंपन अब बढ़ गया है। हमें नाराज प्रकृति को मनाना होगा। ये पेड़ हमारे सहोदर हैं, हर लता हर टहनी हमारी सखी है, सभी जीव जंतु हमारे विराट परिवार के अंग हैं। हमें बहते हुए पानी का सम्मान करना है, क्योंकि पानी हमारा जीवन भी है और महाप्रलय का दूत भी। प्रकृति अगर विद्रोह पर उतर आई तो मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हमें ख्याल रखना होगा इस प्रकृति का, इस प्रकृति के नाराज होने का सादर सम्मान करना होगा।